Hello guys, welcome back to our channel. So early morning I went to watch the movie Kanguva with a lot of expectation because जो भी trailer था और बहुत सारे different videos, promo videos थे, देख करके बहुत amazing लगा था. तो I thought कि this movie is going to be a super duper hit, but देख करके expectation totally change हो गया. So the movie started with some of the cringe comedies in the first 40 minutes. So really people didn't like it because we went with a lot of hope and lot of different kind of expectation. और उसके बाद अगर फर्स्ट स्टार्टिंग में ही ऐसा क्रिंज कॉमेडी जाने वाले अगर मिलने लगे तो डिसअपॉइंटमेंट लेवल वहीं से शुरू हो जाएगा. सो आफ्टर दैट इट वेंट इनटू अ फ्लैशबैक सीन्स ऑफ द ईयर 1070 और वहां पे क्या कमाल सूर्या का परफॉर्मेंस था. माय गॉड, वो परफॉर्मेंस सूर्या का आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत ज़बरदस्त एग्रेशन, बहुत ज़बरदस्त उनका लुक था, इवन कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल बहुत ज़बरदस्त था. VFX ऑन टॉप था वहाँ पे भी, जो फ्लैशबैक में, क्योंकि फ्लैशबैक है 1070 का, तो काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू नीड टू सेटअप. तो एनवायरनमेंट वॉज टोटली ब्यूटिफुल, ग्रीनरी एंड ऑल वॉज देयर एंड लॉट ऑफ थिंग्स वॉज देयर लाइक ऑफ दैट टाइम एंड इट वॉज शोइंग लाइक यस दैट वॉज द टाइम ऑफ 1070. तो बहुत अच्छे से इस चीज़ों को उसमें दिखाया गया है. तो सूर्या सर का क्या परफॉर्मेंस था, माई गॉड, द ओनली फ्लैशबैक सीन जो था, जो 1070 का टाइम का जो भी दिखा रहा था उसमें सूर्या सर का परफॉर्मेंस जबरदस्त था. लेकिन अगर कम बैक कर रहा प्रेजेंट डेज में सूर्या सर का परफॉर्मेंस वॉज गुड, बट इट वॉज काइंड ऑफ नॉर्मल, इट वॉज नथिंग न्यू फॉर सूर्या सर, नथिंग इम्पैक्टफुल, इट वॉज काइंड ऑफ नॉर्मल, बट फ्लैशबैक वॉज सुपर. दिशा पटानी का जो भी स्टार्टिंग में रोल था या फिर एंडिंग में भी कुछ पार्ट में रोल है, बट दैट वॉज ऑल्सो नॉट सम इम्पैक्टफुल. वो उठा करके किसी को भी दे देता तो चलता काम, बट जस्ट टू इंक्रीज द ग्लैमर ऑफ द मूवी they have taken Disha Patani or what I can see. Coming to the villain part, Bobby Deol sir ka kya acting tha, bahut zabardast tha, but वहाँ पे भी बॉबी देओल सर को अंडर यूटिलाइज किया गया है. बहुत ज़बरदस्त उनका यूटिलाइजेशन कर सकता था, बट स्टोरी इस टाइप से कुछ सेटअप किया हुआ था कि उनका यूटिलाइजेशन बहुत कम था, हद तक मीन्स बीच में थोड़ा सा पार्ट था, फिर एंड में थोड़ा सा पार्ट था, बट यूटिलाइजेशन बहुत कम था. बट उस चीज़ को उनका जैसा कैरेक्टर था, जैसा रोल दिखाया और जैसा उनका गेटअप एंड ऑल था, उनको बहुत ज़बरदस्त यूटिलाइज किया जा सकता था, बट आई डोंट नो, स्टोरी कुछ इस तरीके से गया. शिवा सर, what you have done, I don't know. Now coming to the music and all, so music man, the warrior song was so beautiful, goosebumps aane wala wo song hai. But after that, this song ko chhod karke jitne pure movies mein sounds effect and all hai, it was too much loud. Subah morning mein uth karke jao ek theater mein dekhne ke liye, constantly 2 ghante aapke kaano ke samne high volume music agar chalta raha to you will get frustrated. मतलब ऐसा भी नहीं था कि इमोशनल कनेक्ट के लिए थोड़ा स्लो कर दिए, जहाँ पे डायलॉग डिलीवरी है तो बहुत स्लो कर दिए, डायलॉग को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट वाज मिसिंग. ओनली BGM वाज ऑन मीन्स बहुत ज़्यादा हाई था, जो कि बहुत डिस्टर्बिंग एंड बहुत इरिटेटिंग बीच बीच में लगने लगा था. लग रहा था कि यार क्या एक फ्लैट टोन में सारा चीज़ देख रहे हैं, शुरू से अंत तक एक ही टोन में देखते जा रहे हैं. एंड स्टोरी वाज ऑल्सो इस टाइप का एक मूवी था, इसको स्टोरी बहुत अच्छे से नरेट कर सकते थे. इवन स्टोरी जो फ्लैट टोन में शुरू से एंड तक चला गया, उस चीज़ को आई थिंक दे कुड हैव डन बेटर वे. देर वॉज नो इमोशनल काइंड ऑफ सीन कि लग रहा बहुत इमोशनल आ रहे हैं या फिर बहुत बुरा लग रहा किस कुछ चीज़ों को देख करके, बट that was missing part. The emotional connect with the audience was also too much missing in this movie. And VFX, as I have mentioned, VFX was too good. Mostly VFX was used in the flashback scene where 1070 year ka dikha raha tha. Even the sea and boat and all ka jo VFX tha, wo bhi bahut zabardast tha. So I think VFX part, it was too good. एंड ओवरऑल आई थिंक लास्ट का जो 15-20 मिनट्स का जो सीन है, दैट वॉज ब्यूटिफुल. दैट क्लाइमेक्स सीन, प्री क्लाइमेक्स सीन एंड क्लाइमेक्स सीन वॉज ब्यूटिफुल. आई लाइक्ड इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज वहाँ पे जो फाइट सीन होगा बिटवीन सूर्या सर एंड बॉबी देओल सर,
और उससे पहले जितना भी चीज़ों को एनवायरनमेंट को फाइट सीन और क्लाइमेक्स सीन की तरफ ले जा रहा है, दैट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो वो लास्ट का 20 मिनट्स अगर छोड़ दोगे और कुछ चीज़ें जो फ्लैशबैक सीन में और भी चीज़ें जो था उन चीज़ों को छोड़ करके बाकी सारे बर्बाद थे। एंड वन मोर थिंग, एज करेंट जनरेशन, इन दिस जनरेशन ऑलमोस्ट ऑल द मूवी देयर विल बी अ केमियो, सो वन केमियो वॉज देयर बट इट केम टू लेट कि अब लगता कि यार नहीं भी देने से चलता, ऑलरेडी पीपल वर फ्रस्ट्रेटेड विद लॉट ऑफ द स्टफ एंड जो गुड चीज़ें था वो देख चुके थे, उनसे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो केमियो जो हुआ था उसको लेकर के भी उतना ज़्यादा लोगों में एक्साइटमेंट मुझे नहीं दिखा। सो ओवरऑल दिस मूवी वॉज एवरेज काइंड ऑफ द मूवी, वन टाइम वॉच मूवी है। आई एम गिविंग अ रेटिंग 2.5 टू दिस मूवी। सो लास्टली, इफ यू हैव वॉच दिस मूवी, वॉट इज योर फीलिंग अबाउट दिस मूवी? मे बी आपको अच्छा भी लग सकता है या फिर खराब भी लग सकता है, मुझसे भी ज़्यादा खराब लग सकता है या फिर मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग सकता है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। सो ओवरऑल दिस वॉज माई रेटिंग। अगर आपको कुछ थाट्स है, कमेंट्स है, हमारे कमेंट्स सेक्शन में जरूर आप लिखो। तो गाइस, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू रिव्यूज और रिएक्शन। सो तब तक के लिए बाय।